बातें होंगी। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि अब संगोष्ठी भी थोड़ी मुश्किल है। खैर, ये महादेव की दया है और सावित्री का आशीर्वाद है, नहीं तो हम हो या आप हो, अपनी इच्छा से तो कुछ भी होता नहीं है। यहाँ सब उसी शिव की इच्छा है, उसी परमात्मा की इच्छा है जो हमारे आपके गुरु हैं। हेलो भैया, देखिए हमारे आपके गुरु शिव हैं। हमने किसके कहने पे उनको गुरु बनाया? उस शिव को जो परमात्मा है, जिनकी पूजा अर्चना हमारे आपके घरों में साल दर साल से होती आ रही है। कोई उसका समय का आकलन नहीं है, हम लोग समय की गणना नहीं कर सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते कि हम लोगों ने महादेव की पूजा कब से शुरू की है। मोटा मोटी कहा जाता है कि 10,000 साल पहले से शिव की पूजा कई रूपों में हमारे देश में हमारी मिट्टी पर होती आई है। उसी शिव को जिनकी पूजा अर्चना हम अपने घरों में करते हैं, महादेव के रूप में, शंकर के रूप में, शिव के रूप में, महाकाल के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में, उसी को अपना गुरु बनाना है। वो ज्ञान भी देते हैं, ये हमें नहीं मालूम। अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि साहब ने लिखा है किताबों में, जितनी भी धार्मिक किताबें हमारे आपके यहाँ उपलब्ध हैं, रामचरितमानस को उठाइए, रामायण को उठाइए, महाभारत को उठाइए, सब जगह लिखा है कि शिव गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो गुरुओं के गुरु हैं। गुराधिपति कहा गया है उनको, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, विश्व गुरु कहा गया है। तो उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। उनसे हमको और आपको बस ज्ञान लेना है। लेके तो हम आप सब कुछ है उनसे। आपके बगल में जिला है देवघर, पूरा सावन हम आप जाते रहते हैं महादेव से मांगने के लिए। वो देता है तभी हम जाते हैं। ये हमको और आपको मालूम है, ये किसी ने सिखाया नहीं है हमको और आपको कि वो देते हैं। वो देते ही देते हैं, हमको और आपको मालूम बाई बात। हम आप इस बात को जानते हैं कि महादेव से मांगेंगे वो हमको देंगे। उनको घर घर का बाबा कहा गया है, जैसे चंदा मामा को हर घर का मामा कहा गया है, वैसे ही उनको घर घर का बाबा कहा गया है। वो हमको और आपको देते ही हैं। साल में 365 दिन में हम आपकी सिर्फ उनसे मांगते हैं और हमको और आपको सब कुछ मिल जाता है। आप ये सोचिए, कभी आपने सोचा है कि अगर हम 365 दिन उनको याद करेंगे तो हमको और आपको क्या फायदा होगा, जीवन में क्या बदलाव होगा? 30 दिन करते हैं हम आप तो हम लोगों को लगता है कि महादेव ने सब कुछ दे दिया। और वही देते हैं, घर देते हैं, परिवार देते हैं, बाल बच्चा बेटा बेटी देते हैं, संतान देते हैं, समृद्धि देते हैं, घर द्वार देते हैं, गाय गोरु देते हैं, सब कुछ देते हैं वही। तो ज्ञान भी उनसे ही मांगना है। उनका एक ज्ञानदाता स्वरूप है जो हमारे आपके समाज में उतना प्रचलित नहीं हुआ है, जबकि किताबें कहती हैं कि वो गुरु हैं। उनके शिष्यों की संख्या है 112-113 में करीब शिव पुराण में, पर किसी ने बताया नहीं कि शिव से ज्ञान भी मांगा जा सकता है। ज्ञान कैसे मांगेंगे? ये साहब हृदयानंद जी ने और दीदी नीलमानंद जी ने हमको और आपको बताया कि महादेव से कैसे ज्ञान लेंगे, कैसे उनकी दया पाएंगे। और वो देते हैं। आप उनसे जुड़िए तो सही, आप उनसे सब कुछ मांग रही है, वो दे रहे हैं तो ज्ञान नहीं देंगे? वो सब कुछ देते हैं हमको और आपको। ये सांस भी उन्हीं की दी हुई है, हमारी आपकी बुद्धि भी उन्हीं की दी हुई है, तो हम आप कैसे नहीं सोचे कि वो ज्ञान देंगे? उनको ज्ञान के निधि अगम कहा जाता है। निधि अगम मतलब वैसा खजाना जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। 2 रुपया, 10 रुपया, 1,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, 1,00,000,000 रुपया, शंख महाशंख रुपया हम आप सोच सकते हैं, पर उनकी दया का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इतना विस्तृत और व्यापक है उनकी दया। बस हमको और आपको जुड़ना है, उनसे दया मांगनी है कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। इसके लिए साहब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं हमको और आपको, 3 सहारे दिए हैं जिसको करते हुए हम आप शिव के राजमार्ग पर आते हैं और साहब दीदी हमको और आपको शिव की ओर ले चलने के लिए हैं। पहला सूत्र है उनसे दया मांगना, उनसे संबंध बनाना। साहब ने लिखा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। तीसरी लाइन में उन्होंने कहा है, पहली लाइन में कहते हैं कि आप मेरे हैं,
हे शिव आप मेरे गुरु हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, तब कहते हैं मुझ पर दया करिए, संबंध बनाते हैं वो, कोई भी चीज आपके संबंध पर भी निर्भर करती है, आपका झगड़ा, आपका प्यार, आपका दुलार आपके संबंध पर ही चलता है। किसी से आप दुश्मनी का भाव रखते हैं, किसी से आप दोस्ती और मित्रता का भाव रखते हैं, अपनापन का भाव रखते हैं, सारा खेला संबंध का है, सारा खेला भाव का है। और हमारे गुरु शरीर में तो है नहीं, तो उनको मन से ही जोड़िएगा ना, मन से ही अपना समझिएगा। फिर दूसरा सूत्र है कि लोगों को समझाइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। समझाने की प्रक्रिया में हमारा और आपका मन समझता है। जितनी बार हम लोगों को समझाते हैं, जितनी बार कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो हमारा और आपका मन इस बात को समझता है कि शिव मेरे गुरु हैं। हमारे आपके कान से ये आवाज टकराती है, उसका हमारे आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। सिनेमा का गीत और शादी ब्याह में हम लोग गीत गाते रहते हैं, कोई किताब कॉपी लेकर के याद थोड़े करता है, सुनते सुनते याद हो जाता है। वैसे ही शिव मेरे गुरु है, इसकी आवृत्ति, इसका जितना दोहराव करिएगा, उसका हमारे आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, जो बहुत दूर तक साथ देता है, और धीरे धीरे एक संबंध बनना शुरू हो जाता है हमारे और गुरु के बीच में। और तीसरा उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी है। देखिए, साहब से बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई नहीं है, साहब से बड़ा आध्यात्मिक पुरुष कोई नहीं, वो जानते हैं हमारा आपका स्वभाव, वो मानव को समझते हैं, वो आदमी को समझते हैं कि हमारा आपका दिमाग स्थिर नहीं हो सकता है, हम बस कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 108 बार नमः शिवाय से हमको और आपको प्रणाम करने की कोशिश करनी चाहिए अपने गुरु को। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप उंगलियों पर भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष के माले पर करिए, या जब मतलब सांस की विधि से आप अगर प्रणाम करने की कोशिश करिएगा, तो धीरे धीरे हमारी और आपकी आदत हो जाएगी उनको प्रणाम करना। और जब वो हमारे आपके याद में रहेंगे, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साहब और दीदी हैं हमारे आपके साथ, उस ओर लेकर के चलने के लिए, उस ओर चलते रहिए। वो जो कह रहे हैं करते रहिए, वो कह रहे हैं कि शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, कुछ भी नया नहीं है, इससे आसान काम दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। शिव शिष्य बनिए और दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक बैठक संगोष्ठी है, तो इसमें आप लोगों को जो अगर कुछ पूछना है, संख्या देख करके तो लग नहीं रहा है कि माइक चारों तरफ घूम सकता है, घूम जाएगा तो 2-4 वॉलंटियर आपके पास चले जाएंगे। अगर आपको कुछ कहना है महादेव के काम से, भगवान शिव की शिष्यता से रिलेटेड, साहब दीदी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, लिख करके भेज सकते हैं। तो जिज्ञासाएं आई हैं क्या? तो जिज्ञासाएं तब तक हम लोग इसका देखते हैं, फिर आपकी इच्छा होगी तो आप बात कर सकते हैं हम लोग।